नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रोलक्स कंपनी के सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करेंगे। रिपेयर क्या करेंगे, इसकी पीसीबी को रिपेयर करेंगे। जो दोस्त नए हैं, आज उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। जिसने कभी पीसीबी को रिपेयर करने का एक्सपीरियंस नहीं किया, इस वीडियो से उनके लिए काफ़ी मदद हो सकती है। दोस्तों, अगर आप किसी दूर स्थान पर रेफ्रिजरेटर को चेक करने गए हैं और वहाँ पर पीसीबी की प्रॉब्लम है, तो आप पहली कोशिश कीजिए कि पीसीबी को वहीं रिपेयर कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी बेसिक जानकारी की ज़रूरत होनी चाहिए, या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। रिले ऑयल पर बदलने के बाद भी अगर आपका फ्रिज नहीं चलता है, तो हम सीधा थर्मोस्टेट पर जाते हैं। लेकिन इस रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट नहीं है, इसमें पूरा कंप्लीट पीसीबी दिया हुआ है और उसमें ही कोई फॉल्ट होने की वजह से सप्लाई हमारे कंप्रेसर तक नहीं पहुंच पा रही। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे बेसिक टिप्स के बारे में भी जानेंगे, जिनको अपनाकर आप पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और जो दोस्त नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको काफ़ी यूज़फुल वीडियो प्राप्त होंगे मेरे चैनल से। दोस्तों, हमने जब पीसीबी को खोला, या आप भी जब खोलें, तो आपको दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पीसीबी में फ्यूज़ दिया होता है, सबसे पहले उस फ्यूज़ को चेक कीजिए। रेफ्रिजरेटर की वायर को निकाल दीजिए हमारे लाइव वायर से, उसके बाद फ्यूज़ को बाहर निकाल लीजिए। अगर आंखों से देखने के बाद आप कन्फर्मेशन हो जाए कि फ्यूज़ उड़ गया है, तो हमें फ्यूज़ लगाकर देखना है। अगर आपको कन्फर्मेशन प्राप्त नहीं हो रही, तो आपको उसे मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पर करके चेक कर लेना है। जब आपको ये लगे कि फ्यूज़ उड़ गया है, तो आप उसमें अपनी तरफ से हैवी फ्यूज़ ना लगाएं। जब भी आप किसी भी पीसीबी को चेक करें, उसमें हल्का पतली वायर का फ्यूज़ लगाएं, या फिर जो हमारे बने बनाए फ्यूज़ आते हैं, मैक्सिमम 1.5 एम्पीयर तक के लोड पर जो वर्क करते हैं, उतनी कैपेसिटी का ही आपको फ्यूज़ लगाना है। अगर आप हैवी फ्यूज़ लगा देंगे, इससे फ्यूज़ ना उड़ेगा और उससे हमारे पीसीबी काफ़ी ख़राब हो सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमने फ्यूज़ को बदल दिया, हमारे पास फ्यूज़ था। आप भी हमेशा अपने पास 2 या 3 फ्यूज़ लेकर चलिए। फ्यूज़ लगाने के बाद हमने जैसे ही उसे ऑन किया, तो वो फ्यूज़ उड़ गया, यानी कि हमारे पीसीबी में कुछ प्रॉब्लम है। आप पीसीबी में हल्का कालापन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूज़ से आगे एक MOV लगा होता है हमारे पीसीबी के अंदर, जिसका पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड वरिस्टर, जो अभी आप ये पीले रंग का देख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इसके साइड में आपको हल्का सा छेद नज़र आएगा, हल्का सा कालापन नज़र आएगा। दोस्तों, ये फेस और न्यूट्रल पर लगा होता है, और विशेषकर इसको इसलिए लगाया जाता है कि अगर हमारे पीसीबी की इनपुट में कोई सर्ज आए, यानी कि उच्च वोल्टेज आए, तो फ्यूज़ उड़ने के साथ साथ कई बार ये वरिस्टर भी उड़ जाता है। कई बार फ्यूज़ उड़कर काम चल जाता है, लेकिन कई बार हमारा वरिस्टर भी उड़ जाता है। अब अगर आपके पास और अन्य वरिस्टर नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको उस वरिस्टर को जो ख़राब हो चुका है, उसको निकाल देना है। ध्यान रखिएगा, जो वरिस्टर आप निकालेंगे, इसकी जो लेग होंगी, उनको आपस में आपको जोड़ना नहीं है, लेग को अलग अलग रखना है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा MOV होता है, वो होता है प्रोटेक्ट, यानी प्रोटेक्शन, हमारी इनपुट हाई वोल्टेज इस पीसीबी में ना इंटर करे, ताकि हमारे अन्य कंपोनेंट ना ख़राब हों। इसलिए आपको इस MOV को निकाल देना है, और उसकी जो लेग हैं, उनको अलग अलग कर देना है। दोस्तों, ये कई प्रकार के आते हैं, कई सीरीज में लगते हैं और कई पैरेलल में लगते हैं। जो ये MOV है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्या वो सीरीज में लगा है या फिर पैरेलल में लगा है। ये हमारा जो MOV है, ये पैरेलल में लगा हुआ था, फेस और न्यूट्रल पर लगा हुआ था, इसलिए हमने इसको निकाल कर इसकी जो लेग है, उनको अलग अलग कर दिया। इससे अब आगे हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और आप देखिए, जैसे ही हमने उसको पावर दी, तो हमारे पीसीबी वर्क करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आप आसानी से इस फॉल्ट को निकाल सकते हैं। जब भी आप किसी भी रेफ्रिजरेटर को चेक करें जिसमें पीसीबी दी हुई है, सबसे पहले उस पर फ्यूज़ को चेक करें, उसके बाद आपको इस MOV को देखना है। दोस्तों, इसी की तरह एक NTC भी आता है, वो लगभग सीरीज में लगता है। NTC भी प्रोटेक्ट करता है हमारी उपकरण को, हमारी पीसीबी को स्विचिंग करंट सर्ज आने से। तो इसलिए
आप MOV और NTC के बारे में जानकारी ज़रूर रखिए ताकि उचित समय पर आपकी ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एक बात और दोस्तों, अगर आपने मेरे को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे को फेसबुक पर अवश्य फॉलो कीजिएगा। अब हमारा रेफ्रिजरेटर पूरी तरह से ठीक चल रहा है, इसका कन्फर्मेशन हमने कर लिया है। सिर्फ इस MOV का ही फॉल्ट था, या तो इसे आप रिप्लेस कर दें या फिर इसे आप निकाल दें। मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे रिप्लेस अवश्य करें ताकि अगली बार सड़ जाने से हमारी PCB बच सके। धन्यवाद।